ब्लाइंड कहां पर जाते गाइस, बिकॉज ओके टीम ब्लाइंड वर्सेस टीम गॉड लाइक इज व्हाट वी गोना विटनेस इन द अरीना ऑफ पोचिंग की शेक। बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट गाइस हमें देखने को मिलेगी। बाकी टीम्स की पोजीशनिंग की बात कर लेते हैं, मिल्टा में भी हम एक फाइट देखने को मिल सकते हैं जहां पे टीम एमवाईएम और टीम ब्लाइंड जो है एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, और वहां पे पंक जो है वो ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके हैं, तो ये एक अर्ली नॉक जरूर से देखने को मिल रहा है अगर हम बात करें टीम एमवाईएम की तो, और ये जरूर से उनको मुश्किल स्थिति में डाल सकते हैं। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे गाइस जो भी हमें एक इनिशियल ग्लिच देखने को मिल रहा है स्पेक्टेटिंग का, ये हमें कितनी जल्दी या कितनी देर में और सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है। मीनवाइल स्टैलवेट स्पोर्ट्स के निंजा ने टीम तबिलास के एक प्लेयर को व्हीकल से नॉकआउट किया है, तो वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। अभी के लिए गाइस ये जो ग्लिच है ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता हुआ रेगुलर से, बट अगेन देखना पड़ेगा यहां पे क्या होता है। वहां पे रोनक ने रियो के आरन को नॉक करके फिनिश किया, टीम तबलास के जो डेस्ट है वो फिनिश ऑफ हो जाएंगे। एंड ओके यहां पर कुछ फाइट जो है वो एंगेज जरूर से हो रही है। सिनिस्टर नूब ने वहां पे एमवाईएम के इमॉर्टल को भी डाउन किया है, सिनिस्टर नूब गोस डाउन, फनेटिक के एश यहां पर एक्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। और फाइनली गाइस जो ग्लिच है वो सॉर्ट हो चुका है, टीम एमवाईएम अभी के लिए टोटली बैकफुट पर, तीन प्लेयर्स ऑलरेडी नॉकआउट हो जाएंगे। क्या फिश से क्लियर करेंगे? ओके फिशिंग इज व्हाट वी आर विटनेसिंग, यहां पर एक कमिटमेंट जरूर से देते हो, फनेटिक एश इज द नेम, और अभी के लिए पंक को यहां पर फिनिश ऑफ कर देंगे। मुश्किल स्थिति में अगर हम बात करें टीम एमवाईएम, बिकॉज क्लाउनी इज द ओनली मैन स्टैंडिंग, एक 1v4 का सिनेरियो उनके सामने रहेगा। गॉडल के रेड को वहां पे स्पॉट करके फिनिश ऑफ कर देंगे, सो मल्टीपल नंबर ऑफ फाइट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम देखने को मिल रहा है। बात करें टीम गॉडलाइक की तो अब एक बढ़िया कमबैक हमें जरूर से देखने को मिल रहा है। क्या वो जो किंग्स ऑफ पोचिंग की वाला टाइटल है वो बैक कर पाएंगे, या फिर टीम ब्लाइंड जो है उनके ऊपर बिलीव हमें देखने को मिलेगा, ये एक चीज जरूर से रहेगी विटनेस वाली। पर अगर हम बात करें अभी के लिए टीम गॉडलाइक की तो वो जो अग्रेशन है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इवोस के ऊपर जाता है नेट, ये एक ऑन पॉइंट नेट रहेगा, और टीम ब्लाइंड टोटली ऑफ बैकफुट, बिकॉज अब पेन जो है वो सोलो मैन स्टैंडिंग बचते हैं। रिवाइव दे रहे स्मोक करके, नोवा किंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। ये रिवाइवल मिलते ही 2v3 का सिनेरियो जरूर से हमें देखने को मिलेगा, पर क्या बेहतरीन कमबैक हमें देखने को मिलता हुआ टीम गॉडलाइक का। पहला नॉक एंड फिनिश ऑफ जरूर उनके ऊपर आया, बट उसके बाद कुछ बेहतरीन कमबैक हमें देखने को मिलता हुआ। ईवोस की पोजीशनिंग का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्लोज, लेकिन बैट प्लेन जो है वो अभी के लिए यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पोजीशन पे, एकेएम और उजी इनके पास रहती है, और ब्रीथिंग ब्रीथिंग टाइम दे ही नहीं रहे। यहाँ पे चेजिंग हमें देखने को मिलती हुई, नेविन ओपी विल बी द लास्ट मैन सर्वाइविंग, गॉडल अलादीन विद दोस हेड चेजिंग, और इसी के साथ टीम ब्लाइंड का अर्ली एलिमिनेशन। गॉडल अलादीन कमिंग अप विद अ 1v3 क्लच, बढ़ा सकता है एक्सोटिक विद दैट नेड, क्या कनेक्शन बना पाएंगे वो एक देखने वाली बात रहेगी। व्हीकल को बर्स्ट करके यहाँ पे अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में जरूर से डालेंगे, शी एक बेहतर नेट आएगा, नोवा किंग गोज डाउन, एक्सोटिक इज द नेम, और इसी के साथ टीम आई वुड से X8 बिट का एक बार फिर से इस फाइट में कमबैक हमें देखने को मिलता है। एस पावर बीइंग द ओनली मैन स्टैंडिंग, अलादीन को स्मोक करके रिवाइव करने के लिए चाहिए। टीम ऑरेंज रॉक भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो जो स्मोक का एक वॉल क्रिएट कर रहा है उसको स्पॉट करने में जरूर से कामयाब रहेंगे। अब मुश्किल स्थिति में जरूर से नजर आएगा। अगर हम बात करें टीम गॉडलाइक की तो अलादीन एंड एस पावर आर द टू प्लेयर स्टैंडिंग, ये देखिए कुछ बढ़िया प्रेडिक्टिव प्लेज आएंगे, और अब एस पावर एक बार फिर से सोलो मैच स्टैंडिंग बचते हैं। अलादीन का जो किल है वो जाएगा कंफर्म के साथ, टीम गॉड लाइक का एलिमिनेशन ऑन पोजीशन नंबर 19 तो उनको रिवाइवल मिल जाएगा। टीम ओमेगा की फाइट इनिशिएट हो चुकी है, और ये जो फाइट है गाइस वो चल रही है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। सवितर गोज डाउन, टीम इंडियन टाइगर्स वर्सेस टीम X8 बिट हमें देखने को मिलता है। ओमेगा यहाँ पे डाउन देंगे, एक ही ओपी जो है वो रिटेलिशन नॉक हो जाएंगे। यहाँ पे सारंग की पोजीशन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल, मिरेकल को स्पॉट किया, कुछ बढ़िया स्प्रेस देने में कामयाब हुए, कनेक्शन यहाँ पर बनाएंगे। एक नॉक अगर यहाँ पे आता जरूर से कमबैक हमें देखने को मिलेगा टीम इंडियन टाइगर्स का। हे वी गो गाइस, टीम इंडियन टाइगर्स सोलो मैन स्टैंडिंग बचते हैं सारंग, और अगर हम बात करें टीम ओमेगा की तो अक्षर डाउन है, एक्सोटिक बचते हैं सोलो मैन। एक 1v1 की फाइट किया या सारंग यहाँ से एक 1v2 क्लच निकाल करके अपनी टीम की नैया जो अभी के लिए थोड़ा मुश्किल में भावर में फंसती हुई नजर आ रही है, क्या उसको बचा पाएंगे वो देखने वाली बात है कि सारंग विद दैट नेड क्या कनेक्शन बना पाएंगे। मीनवाइल गाइस अगर यहां पे थोड़ा टाइम दिया तो जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट कर सकता है एक्सोटिक, एंड इस बात से भली भांति परिचित अपनी पोजीशन करेंगे चेंज। एक्सोटिक की गाइस हेल्थ अगर हम कंपेयर करें तो जाता है, पॉट के वहां पे वो कुछ बढ़िया फ्री फायर आएंगे, कनेक्शन बनाने में कामयाब नहीं रहेंगे, जो नॉक आउट होकर खेल जाएगा सिक्योर। क्या बढ़िया क्राउच हमें देखने को मिलता है, बट व्हाट अ प्रोन शॉट वाज दैट। और इसी के साथ टीम 8 बिट का गाइस आई वुड से कि जो सर्वाइवल है वो अभी भी हमें देखने को मिलता हुआ, और टीम इंडियन टाइगर्स का जो रोर है वो कहीं ना कहीं शांत करने में कामयाब हुए हैं। रैप्टर्स की तो व्हीकल लेकर के जा रहे हैं, क्लाउनी के लिए एक 1v2 हो सकता है गाइस। ये जो फाइट हमें देखने को मिलती है टीम एमवाईएम और टीम रैप्टर्स की, एक बार फिर से वो शुरू होगी, शुरू जरूर से हुई थी गाइस वो मिल्टा के रीजन में, पर अब एक डिफरेंट पार्ट में, मिल्टा के बहुत ही ज्यादा क्लोज ये वाली फाइट एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगी। सिनिस्टर, फनेटिक, एज, फिक्शन, यहाँ पे तीन प्लेयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जो चौथे प्लेयर है गाइस उनका भी आगमन यहाँ पर हो जाएगा, नाम है बिलियन फॉर रियल। क्लाउनी के लिए एक 1v4 का सिनेरियो, पोजीशन अपनी बिल्कुल भी रिवील करने के लिए नहीं जाएंगे, पर क्या ये 1v4 निकाल सकते हैं? एफपीपी स्विच के स्पॉट के प्लेयर को डाउन किया, जो किले वो कंफर्म करने के लिए जाएंगे। क्लाउडी तो ने सिनिस्टर नूब को स्पॉट कर चुके हैं, कुछ और प्ले
आएंगे, 1v2 ऑलरेडी रन कर रिलोड कर निकल जाएंगे, वहां पे एक और बना जाएंगे फिक्शन पर। फाइनली वो जो बुलेट सुंगा कनेक्शन में देखने को मिलेगा, आरजी क्लाउडी गोज डाउन पर जाते जाते एक किल जो है वो जरूर से सिक्योर करके जाएंगे। सदर पार्ट ऑफ द मैप में एक फाइट अभी देखने को मिलेगा जहां पे टीम लर्न फ्रॉम पास की जो फाइट है वो इनिशिएट हो चुकी है। सामने है टीम रिवेंज ईस्पोर्ट्स पैराडॉक्स, जस्ट लुक एट द गाइस कॉन्फिडेंस जो भी के लिए शोकेस कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ओपन में जा रहे हैं, पीछे से कुछ बढ़िया एजेस के फाइट भी आ रहे हैं। टीम आई वुड से गाइस रिवेंज ईस्पोर्ट्स थोड़ा मुश्किल टाइम में बिकॉज ज्यादा उनके पास अभी के लिए ब्रीदिंग स्पेस बचता नहीं है। रिवेंज ईस्पोर्ट्स के टैप और सोनिक फॉक्स बचते हैं दो प्लेयर्स और डिफरेंट एंगल्स पर जरूर से जाते नजर आ रहे हैं टीम लर्न फ्रॉम पास के प्लेयर। इनकोर गोज डाउन गाइस, ये एक क्रूशियल नॉक हो सकता है यहाँ पे, अब एक 1v2 का सिनेरियो रहता है। अगर हम बात करें टैप की पोजीशन रिपीट ऑलरेडी ऑस्टिन की भी, पर ये कुछ व्हीकल बर्स्ट हमें देखने को मिलेगा पैराडॉक्स की साइड से आते हुए, वो लास्ट प्लेस और कनेक्शन बनाएंगे। इसी तरह टीम रेवेंज स्पोर्ट्स के एलिमिनेशन बात करेंगे, ऑस्टिन और पैराडॉक्स दो प्लेयर्स देखने को मिलेगा यहाँ पे। एक एनक्रोचर में देखने को मिलता है पैराडॉक्स के लिए 1v2 का सिनेरियो जरूर से रह सकता है। क्या ये 1v2 क्लच निकाल पाएंगे, स्पॉट किया पर कुछ ऑन पॉइंट प्लेस आएंगे एंड पैराडॉक्स विल गो डाउन। इसी के सर्कल के अंदर गाइस अगर आपको ऐसे सिनेरियोज में जाना होता है तो एजेस पे प्रेशर बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी, जो टीम आपको गेट कीप करे उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वे टू गेट इन साइड द सर्कल। अभी के लिए टीम वीएससी के प्लेयर कुछ वैसा ही करते हुए टीम स्टेलवेट ईस्पोर्ट भी यहां पर मौजूद है, पर एक बढ़िया डेटा का सयम की साइड से दो प्लेयर्स यहां पे डाउन हो जाएंगे और देखते देखते गाइस पूरा फाइट का जो रुख है वो चेंज हो चुका है बिकॉज अब टीम वीएससी के जो प्लेयर्स है वो रिवाइव के लिए जाएंगे नहीं, तो मैन पावर को हानि ऑलरेडी मिल चुकी है। दाउस की बात करें तो नाउ ही इज द ओनली मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम वीएसजी, फर्स्ट एड जो है वो इंस्टेंटली पॉप इन करेंगे और टीम टीएफ की साइड से कुछ बेहतरीन गेम प्ले हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर मैच में। क्रेटोस गाइस एक बार फिर से, मैं जैसे इनके पास आ रहा हूँ ये नौ को जा रहे हैं, मेरे ख्याल से अब दूसरे प्लेयर के पास चले गए, मैं शायद अभी के लिए इनके लिए उतना लकी साबित नहीं हो रहा हूँ। बट बात करें गाइस तो कल के आखिरी मैच में भी चिकन डिनर लेकर गए थे, क्या एक बार फिर से जो इस आई वुड से आज के दिन का अंजाम है जो एंड है वो चिकन डिनर के साथ करेंगे। टीम मार्कोस गेमिंग का एलिमिनेशन ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है, बिलियन फॉर रियल गोज डाउन एंड फिक्शन इज नाउ द ओनली मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम रैप्टर्स। टीम स्टैलवर्ट ईस्पोर्ट गाइस यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाते हुए, टीम आईएनटी की बात करें गाइस तो अब स्नैक्स आतंकी ये दो प्लेयर बचते हैं, आतंकी वो जाएंगे डाउन और स्नैक्स इज द ओनली मैन स्टैंडिंग। मेरे ख्याल से गाइस ये परफेक्ट स्टोरी ऑफ विनर विनर चिकन हमें जरूर से देखने को मिलती है जहां पर टीम स्टैलवर्ट ईस्पोर्ट जो है वो प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर मैच में। विनर विनर चिकन डिनर के बेस्ट टू ओपी ने वहां पर स्पॉट करके फिक्शन को भी डाउन किया, आतंकी जो है वो नॉक्ड आउट है और यहां पर शायद अभी के लिए स्नैक्स जो है वो रिवाइवल दे सकते हैं, पर जो स्मोक का कवर है वो भी जा चुका है। संयम की बात करें तो अभी के लिए अपनी पोजीशन रिवील करने के लिए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये भी एक बेहतर स्ट्रेटजी एक बेहतर ऑप्शन, यहाँ पे धीरे धीरे क्लोजिंग कर रहे हैं प्रोन डाउन होकर, शायद एक सरप्राइज अटैक हमें जरूर से देखने को मिल सकता है टीम स्टैलवर्ट ईस्पोर्ट्स विद ऑल द फोर प्लेयर स्टैंडिंग एंड दिस क्लियरली शोज गाइस कि कितना अच्छा ये पर्टिकुलर जो मैच है उनके फेवर में गया, कितने अच्छे उनके जो प्रेडिक्शंस है जो एंटीसिपेशंस है वो उनके फेवर में गई। ब्लेज़ 2 ओपी एक अच्छे पोजीशन पे जरूर से नजर आ रहे हैं, एक 4v3v1 का सिनेरियो सेम बीइंग द सोलो मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम टीएफ और वहां पे ब्लेज़ जो है वो क्लोजिंग कर चुके, ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी हमें जरूर से देखने को मिलती है। स्नैक्स की पोजीशन ऑलरेडी रिपीट है, कुछ बढ़िया प्लेयर जाएंगे कनेक्शन बना सकते हैं वहां पे, स्नैक्स गोज डाउन और अब एक 1v4 का सिनेरियो टीम स्टैलवर्ट ईस्पोर्ट्स के लिए, स्पॉट करके वहां पे नीचे को स्पॉट करके डाउन जरूर से किया बट मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ मौका बचता नहीं है एंड टीम स्टैलवर्ट ईस्पोर्ट्स कल के आखिरी मैच में भी विनर विनर चिकन डिनर, आज के आखिरी मैच में भी एक बढ़िया बाउंस बैक और विनर विनर चिकन डिनर जो वो हमें उनके साइड से देखने को मिल रहा है। Guys, once again, I'm damn sure that you guys have enjoyed this. Make sure to hit the like button. Make sure to subscribe.